प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक्टिव हुआ है अमेरिका। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक पहुंचे हैं समोआ द्वीप। अमेरिकी राजनयिक प्रशांत द्वीप देशों की यात्रा करेंगे। चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति पर दरअसल काम कर रहा है अमेरिका और इसी के तहत अब शीर्ष राजनयिक समोआ द्वीप पर पहुंचे हैं। अमेरिकी राजनयिक प्रशांत द्वीप देशों की यात्रा करेंगे। सबसे पहले समोआ द्वीप पर पहुंचे हैं। चीन के प्रभाव को इस इलाके में कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका। जो बाइडेन की सरकार खासतौर पर प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने और यहां मौजूद देशों के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है। एक और वॉर फ्रंट में लेकिन जहां जंगी तैयारियां बढ़ रही हैं, जहां चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका प्रशांत द्वीप देशों की यात्रा करवा रहा है अपने राजनयिक को ताकि यहां पर चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। और चीन को जवाब देने के लिए एक्शन में आ गया है ताइवान। ताइवान किसी तरह के दबाव में आने वाले नहीं है, उसका जेस्चर यही बता रहा है। ताइवान के फाइटर जेट्स ने भी चीन को जवाब देने के लिए उड़ान भर ली है और एक्शन में दिखे हैं मिराज 2000 और F-5 जेट्स। ताइतुंग एयरबेस पर ताइवान की वॉर ड्रिल देखने को मिली है। एक तरफ ताइवान की घेरेबंदी और ताइवान के चारों तरफ वॉर ड्रिल करती हुई नजर आई चीन की नेवी और चीन की एयरफोर्स। उसके मुकाबले ताइवान भी चीन को जवाब देने के लिए कमर कसता हुआ नजर आ रहा है।